continue with our lesson number 2, motions of the earth in our social science subject. Okay, in the previous session we have discussed about the rotation of the earth and revolution of the earth. We have seen the difference between both rotation and revolution, right? Let us revise them. What is rotation? When the earth moves on its own axis, it is called rotation. जब ये अर्थ है ये अपने ही धरी पर जब गोल ऐसे घूमती है, एक चक्कर लगाती है, तो उसे रोटेशन कहा जाता है. The earth takes 24 hours. The earth takes 24 hours to complete one rotation, and it forms day and night. Okay. अब दिन और रात कैसे होते हैं? 24 hours में 12 hours का जो समय होता है वो डे टाइम होता है, और 12 hours का जो समय होता है वो नाइट का. तो पृथ्वी जब रोटेट करती है तो सन रेज जिस पार्ट पे पड़ता है, जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है, और जो पार्ट सन के ऑपोजिट साइड में होता है वहाँ पे रात होती है. ओके, नाउ रिवॉल्यूशन. जब अर्थ, व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दिस इज द सन. व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 डेज. द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. ओके, नाउ you can see the imaginary line here. The imaginary line on which the earth moves around the sun, it is called an orbit, right? And its shape is oval, right? The earth revolves around the sun in oval shape. Now this imaginary line is called an orbit. Okay, now you can see here this figure. This is the picture of the earth, right? You can see here the lines on the earth. Look at here. There are some imaginary lines on the earth. I have drawn some of the lines here, but there are 181 lines on the earth, imaginary lines on the earth, right? The vertical imaginary lines on the earth are called longitude, and the horizontal imaginary lines are called latitudes. Okay, now the line which is in the center of the earth, the line which is in the center of the earth is called equator. Okay, now it is on the 0 degree Celsius. Equator is on the 0 degree Celsius. And there is another line, the Tropic of Cancer. It is on the 23.5 degree at North Pole. This line, the equator, is divided the earth into two parts, is northern hemisphere and southern hemisphere, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध. ये जो equator है वो पृथ्वी के दो भाग करती है, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, northern hemisphere and southern hemisphere, right? तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो साउथ पोल में 23.5 डिग्री पे है, और यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हैं वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल है, और ये जो साउथ में 66.5 डिग्री वो साउथ पोल है, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सन रेज जो है यहाँ पे सीधे पड़ रहे हैं. तो जिस एरिया में सन रेज सीधे पड़ते हैं वहाँ पे वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट होता है. जहाँ पे स्लैंट होते हैं रेज वहाँ का टेम्परेचर हमिड होता है, और जहाँ पर बिल्कुल ही सन रेज नहीं पड़ते, बिल्कुल एकदम से कम पड़ते हैं सन रेज, वहाँ पे एकदम ठंडा जैसा एटमोसफियर होता है. ओके, नाउ वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. हम देखते हैं तो कभी डेज कभी कभी
ओके, हमने देखा है कि कभी क्या होता है अकॉर्डिंग टू सीजन के डेज, समटाइम्स डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, एंड समटाइम्स डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. एज वी सी दैट इन द समर सीजन, इन द समर सीजन द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, एंड इन विंटर सीजन द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर, राइट. नाउ हाउ द डे एंड नाइट become long and short, and also how the seasons change. Let's learn from this figure. और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी ये अर्थ है जो रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पे, तो वो ऐसे थोड़ी झुकी हुई होती है, सन की साइड थोड़ी झुकी हुई होती है, और जब वो रिवॉल्यूट करती है, जब वो सन के आसपास जब चक्कर लगाती है, तभी वो ऐसे अपनी जो धरी है उस पर ऐसे झुकी हुई होती है, राइट. तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ये जो पृथ्वी है ये ऐसे झुकी हुई है, राइट. ओके, तो जब भी ये सन के आसपास ऐसे रिवॉल्यूट करती है, तो कैसे डेज एंड नाइट्स लॉन्गर एंड शॉर्टर होते हैं और कैसे सीजन्स चेंज होती है. ओके, नाउ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो अर्थ है वो रोटेट करती है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इट्स ऑन इट्स ऑर्बिट. नाउ ड्यू टू दिस The North Pole faces the sun at regular intervals. The rays of the sun fall vertically either on north or on the south. Right? सूर्य के जो किरण होते हैं वो सीधे ही उत्तर पे पड़ते हैं और दक्षिण पे पड़ते हैं, और इसकी वजह से जो दिन और रात की जो लंबाई होती है उसमें फर्क दिखाई देता है. यहाँ पे अगर हम सीजन्स और डे की बात करें, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सूर्य की किरण है, ये अर्थ है, राइट, ये नॉर्थ पोल है, ये इस तरफ सन के तरफ ऐसे झुका हुआ है. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 21 जून को सबसे लंबा दिन कहा गया है, लॉन्गेस्ट डे. 21 जून इज नोन एज द लॉन्गेस्ट डे इन द ईयर, राइट. तो ये लॉन्गेस्ट डे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सन की जो रेज है ये सीधी यहाँ पे, ये क्या है, नॉर्थन पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये लाइन है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये सीधी किरण यहाँ पे पड़ती है, तो वो 21 जून के दिन लॉन्गेस्ट डे होता है. और इस समय जब सीधी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये जो सूर्य की किरण पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कौन सी सीजन चलती है, समर सीजन चलती है. वहाँ उस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है. अगर हम इस साइड अर्थ अगर इस साइड है, तो नॉर्थ पोल इस तरफ झुका हुआ है, राइट. तो यहाँ पे सीधी किरण कहाँ पड़ती है, साउथ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. यहाँ पे सूर्य की सीधी किरण कहाँ पड़ती है, साउथ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो उस समय साउथ पोल में गर्मियाँ ज़्यादा होगी, पर हमारा देश नॉर्थ पोल में है, तो हमारे देश में क्या होगा, नॉर्थ पोल में स्लैंट पड़ती है सूर्य की किरणें, तो वहाँ पे क्या होगा, ठंडी होगी, वहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा नहीं होगी. तो वहाँ पे डेज आर शॉर्टर, 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे कहा गया है. तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पे साउथ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में क्या होता है, डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. और वहाँ पे कौन सी सीजन चलती है, विंटर सीजन नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल में समर, राइट. ऐसे ही दिन और रात में फर्क आता है और सीजन्स भी चेंज होती है. जैसे जैसे नॉर्थ पोल, जैसे जैसे ये अर्थ यहाँ से ऐसे चलती जाती है, तो यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ ये जो इस मंथ में जो ठंडी पड़ती है, और फिर यहाँ से अप्रैल में यहाँ पे फिर गर्मियाँ चालू हो जाती है. अगर हम मार्च मंथ की बात करें, तो मार्च मंथ में ये सन, ये अर्थ यहाँ पे होता है, और सितंबर में यहाँ पे,
तो ये 23 सितंबर जो है और 21 मार्च ये दो ऐसे दिन है कि जो इक्वल डे जिस दिन इक्वल डे एंड नाइट होता है, 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स का नाइट, ऐसे इक्वल डे एंड नाइट होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पे जो जो सन रेज है वो सीधी ही यहाँ पे इक्वेटर पे पड़ती है, इसलिए ये 21 मार्च और 23 सितंबर जो है उस दिन डेज और नाइट इक्वल होती है। दस द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर इन द पीरियड बिटवीन 21 मार्च टू 23 सितंबर। 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो नॉर्थन पोल में नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर होता है, राइट। एंड वाइल इट इज विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और साउथर्न हेमिस्फीयर जो इस तरफ है सन के अपोजिट साइड है, तो वहाँ पे विंटर होता है क्योंकि सनलाइट वहाँ पे एकदम सीधी नहीं पड़ती। ओके, नाउ द चेंज ऑफ सीजन इज फिनोमिनॉन दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, और ऐसे ये जो सीजन्स चेंज होती है राइट, उसका असर सीधे ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है। Here are some things to know that Uttarayan or Makar Sankranti, the vertical rays of the sun starts falling to the north of the equator from 22nd December onwards. So Uttarayan actually falls on 22nd December and not on 14th January. But usually the sun enters the zodiac sign of Capricorn on 14th January and so it is called Makar Sankranti. Iska matlab kya hai? कि 22 दिसंबर से सूर्य का जो सीधा किरण नॉर्थ की तरफ मींस जो इक्वेटर की तरफ वो पड़ता है सनरेज, और इसलिए उत्तरायण जो है वो 14 जनवरी को नहीं पर 22 दिसंबर को होती है रियल में। बट जनरली 14 जनवरी जो होती है उस समय जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यहाँ है सोल्स्टिस मीन्स फ्रॉम 22nd जून ऑनवर्ड्स द वर्टिकल रेज ऑफ द सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड दिस इज नोन एज सोल्स्टिस। मीन्स 22nd जून से सूर्य के जो किरण है सीधे किरण वो जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हट के साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, जिसे सोल्स्टिक कहा जाता है। दिस इज नोन एज सोल्स्टिक। ओके, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स प्रकाश वर्तुल, इसे गुजराती में कहते हैं प्रकाश वर्तुल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटेड फॉर्म लाइटेड फ्रॉम द डार्कर हाफ ऑन द अर्थ एंड जॉइंस द टू पोल्स इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मीन्स जो अंधकार और प्रकाश को जो रेखा जो अंधकार और प्रकाश में से निकलती और दोनों जो ध्रुव को जोड़ती, जो एक काल्पनिक रेखा जिसे कहा जाता है, जो काल्पनिक रेखा दिखाई देती है सीधी, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। नाउ रिवॉल्यूशन, दिस इज द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन एंड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन टेक्स अबाउट 365 1/4 डेज। ओके, नाउ सेल्सियस इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर and it is named after the Swedish astronomer Anders Celsius। ये सेल्सियस वर्ड कहाँ किसके नाम पर से लिया गया है, Anders Celsius। I hope you understand all these topics, right? Okay, if you have any queries you can ask me, okay? We will continue with the exercises of this lesson in the next session. Thank you.